तरेंद्र, मैं काकोदर, तमराज किल्विश का सेवक, अंधेरे का दूत तुमसे कुछ पूछना चाहता है। अंधेरे का पुजारी प्रकाश के सामने मदद मांगने आया है? आश्चर्य नहीं तारेंद्र, अंधेरा कायम है और हमेशा कायम रहेगा। लाखों करोड़ों सितारों के बावजूद पूरे ब्रह्मांड में अंधेरे का साम्राज्य है। झूठ है, अंधेरे का तो अस्तित्व ही नहीं। यदि है तो प्रकाश है, जब प्रकाश नहीं तो अंधेरा है। अर्थात अंधेरा शून्य है, मात्र शून्य है। और इसी शून्य से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तारेंद्र। अगर ऐसा है तो आज अंधेरे का यह दूत प्रकाश कुंज के सामने घुटने टेके हुए क्यों खड़ा है? मैं यहां युद्ध करने नहीं बल्कि सिर्फ कुछ बातें जानने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि ग्रह और नक्षत्र के अनुसार इंसानों के कर्म और भाग्य चलते रहते हैं, लेकिन तुम उनके सारे गतिविधियों को नियंत्रित करते हो, इसलिए काल के पर्दे में छुपे हुए हर राज से तुम वाकिफ हो सकते हो। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम शक्तिमान के बारे में जानना चाहते हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूं शक्तिमान के रहस्य के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी कमजोरियों और उसके भाग्य के बारे में। कितने बेवकूफ हो तुम, अपने भाग्य के बारे में तो जानते नहीं, दूसरों का भाग्य जानना चाहते हो। तारेंद्र, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब जानता हूं काकोदर, परंतु उनका जवाब जानना अभी तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम मेरे भाग्य को क्या जानो तारेंद्र, मेरे भाग्य का विधाता तो तमराज किल्विश है। हम सबका भाग्य जानते हैं, पर हमें किसी के भाग्य के बारे में बताने का आदेश नहीं है काकोदर। यह विधि का विधान है जिसे तोड़ने पर हमें स्वयं विलीन हो जाना होगा, परंतु मैं वो नियम तोड़ने को भी तैयार हूं। तुम्हारा अंधेरे के साम्राज्य में स्वागत है। नहीं काकोदर, तुम्हारे चेहरे पर भय, आशंका, हताशा और पराजय देखने के लिए मैं सारे नियम भूलने को तैयार हूं। ये जान लूं कि बहुत जल्द शक्तिमान तुम्हारा विनाश कर देगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही होना था और यही चाहता था मैं। अब पल पल अपने अंधेरे के सर्वनाश की प्रतीक्षा में मिटते रहो, यही उजाले की जीत है। अब मुझे विस्थापित होने का कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। क्या
लिफ्ट से नहीं जा सकते थे? क्या रे ये लफड़ा क्या चल रहा है इधर? हवलदार साहब आप सही वक्त पर आए, ये लीजिए आपकी अमानत। शक्तिमान, शक्तिमान, जस्ट वन मिनट, इस बार तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो देखो ऊपर टूटा हुआ सितारा हमारी दुनिया की ओर आ रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। Wow, that's great. इसका मतलब शक्तिमान अंतरिक्ष के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। That will make a great news. गीता विश्वास में तुम पे कैसे विश्वास करूं? अब तुम कहते हो कि शक्तिमान अंतरिक्ष में कोई सितारा टूटता है उसे बचाने गया है, लेकिन सबूत क्या है? मुझे सबूत चाहिए गीता विश्वास, मुझे सबूत चाहिए, सबूत। मैं सबूत भी ला सकती हूँ सर, बस आप मुझे एक आधा रॉकेट दे दीजिए, मैं वहां जाके फोटोग्राफ्स भी निकाल के लाऊंगी। ओके, डोंट गेट एक्साइटेड गीता, बिना सबूत में कोई भी चीज छाप नहीं सकता, समझी? आप क्यों नहीं समझते सर, जो बात शक्तिमान ने खुद मुझसे कही है वो गलत कैसे हो सकती है? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो ना सही, लेकिन शक्तिमान के बात पे तो विश्वास किया जा सकता है। यू आर राइट, ये हो सकता है। हम ये रिपोर्ट शक्तिमान के कोट किए हुए शब्दों में छापते हैं और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क रखते हैं। क्वेश्चन मार्क? इसका मतलब आपको शक्तिमान के बात पे भरोसा नहीं है? देखो गीता, ये क्वेश्चन मार्क हमारे लिए एक तलवार सा होता है, और कभी कभी वही तलवार हमारे लिए ढाल भी बन सकती है। एक क्वेश्चन मार्क के बाद में कोई भी हमसे सबूत मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। As you wish. लेकिन मेरा दावा ये है कि कल जब ये खबर अखबार में छपेगी तो लोगों को इसका सबूत पहले से मिल चुका होगा। आप देख लेना सर, कल की हर टीवी चैनल पे यही न्यूज दिखाया जा रहा होगा। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि जिस गति से वो टूटा हुआ तारा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता था। इससे पहले भी कई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा चुके थे, परंतु ये उन सबसे अलग और खतरनाक साबित होता। खगोल शास्त्रियों को आश्चर्य है उस द्रुत गति से बढ़ने वाले तारा पिंड ने पृथ्वी के वायुमंडल तक आकर अपनी दिशा कैसे बदली। कुछ लोगों का विश्वास है इसमें भी किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, और कुछ लोग तो इसे भी शक्तिमान का कारनामा कह रहे हैं। और आज की आवाज की रिपोर्टर गीता विश्वास ने दावा किया है कि शक्तिमान ने ही इस पृथ्वी को तबाही से बचाया है। गीता इज एब्सोल्युटली राइट, ये कारनामा शक्तिमान का ही है, और ये खबर अखबार में उसने उस समय छापी है जबकि स्पेस रिसर्च सेंटर को भी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि शक्तिमान की सारी खबरें इतनी जल्दी और सबसे पहले गीता के पास ही पहुंचती है। मुझे यकीन है इन दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई कम्युनिकेशन है। बाबूलाल, बाबूलाल सर जी, देख बाबूलाल, मारे हाथ में जब रोकड़ा आ जाए साथ साथ रहिए, मारे हाथ में फूल। डरिए नहीं, डरिए नहीं सर जी, मैं हूं ना साथ में, बिंदास चलिए। हां चलिए सर जी। हटेली, ये मोटा उतना ही भारी लगता है जितना उसका बैग है। अरे अपन ने बड़े बड़े मोटे एक ही झटके में हल्के कर दिए क्या? अपन अभी आता है, देख तू चल, अपन आती है अभी। लगता है थारो दिमाग के फाटक खुल गया। बाबूलाल छोरो कौन है? सेठ जी मुझे तो अच्छे खासे घर का जेंटलमैन दिखता है। जेंटलमैन? अच्छा अच्छा, चलो भाव साहब इंतजार कर रहे होंगे। बताओ शहर में हाथी कहाँ से आ गया? बाबूलाल पकड़ के रखियो, मैं दबाए हूँ, मतलब भाजता हूँ, बांधे देता हूँ इसको।
अब उठिए। अरे हम कैसे उठे, महावीर को उठाओ भैया। उठा रहे, उठाओ 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 उठाओ। अरे छोड़ो छोड़ो, महावीर को काहे पकड़े हो? क्यों रे छोरे, तन्ने मन्ने बेवकूफ समझो तो है, मारो रोकड़ो लेके भाग जाओगे? मैं अपने रोकड़ो ले जाने वाले को भागने थोड़ी दूंगा, अभी थारे को पुलिस में दूंगा मैं। पुलिस बाजू हटो, क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है, पीछे हटो, बाजू हट। यस सर जी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? बाबूलाल, अब ये कौन है? लड़की है सेठ जी। इंस्पेक्टर सलाका चौधरी फ्रॉम क्राइम ब्रांच। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे ये चोर है, मारो रोक लो लेके भाग रहा हूँ तो। क्या वे चोरी करता है? हाँ, देख लीजिए आपका माल सलामत है कि नहीं। हाँ बरोबर है जी। लेकिन इसकी क्या गारंटी के माल आप ही का है? अजी मारो माल है। लेकिन इसका क्या सबूत है कि बैग आपका है? अरे मारे बैग पर मारो नाम लिखो है, गगनलाल छगनलाल मेरठिया। ओहो, गगनलाल छगनलाल मेरठिया। हाँ नाम तो ठीक है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि आप ही गगनलाल छगनलाल मेरठिया हैं? मैं हूँ ना सबूत बाबूलाल, यही सेठ छगनलाल है और ये बैग इनका ही है। लेकिन फिर इसका क्या सबूत है कि आप बाबूलाल हो? ए छोरी मारो मतवल है इंस्पेक्टर। अरे इस बात का कौन सा सबूत है कि तू इंस्पेक्टर है, बोल। क्यों, मैं आपको हेमा मानने लगती हूँ? इसका मतलब मैं कोई और नहीं लगती हूँ? आप कोई और कैसे लग सकती है? जब मैं और कोई नहीं लगती तो मतलब मैं शालिनी चड्ढा हूँ। शालिनी चड्ढा, ये कौन सी बात है? पहले तो तेने कोई दूसरा नाम बताए तो। हाँ शलाका चौधरी। हाँ, वो मेरा कोड नाम है, कोड नाम। ये रहा आपका बैग। एक बात और, किसी से नहीं कहना कि मैं क्राइम ब्रांच से हूँ। ना जी ना। ये मेरा टॉप सीक्रेट है। श्योर श्योर। ए चल बे थाने। अरे अरे बेबी कहाँ जा रही हो? सुनो बेटे कहाँ जा रही हो, जरा रुको तो सही, मुझे एक आइसक्रीम दो। नो बेबी नो, ये आइसक्रीम अच्छे वाला नहीं है, हम तुम्हें अच्छा वाला आइसक्रीम दिलवाएंगे। नहीं मुझे यही आइसक्रीम चाहिए, और अभी के अभी चाहिए, वरना मैं पापा को बोल के तुम्हें अंधा करवा दूंगी। मालूम है योर फादर्स कमिश्नर ऑफ पुलिस, बट वेन आई सेड नो दैट मीन्स नो। मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बच्ची को? बचाओ, कोई है मेरे बच्चे को बचाओ, हेल्प 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 हेल्प। रुक जाओ वहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ना। चल चल नीचे जाओ, गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ना, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। शक्तिमान, ये क्या? भागो यहां से।
शक्तिमान। जुर्म के रास्ते पर चलने वाली गाड़ी को शक्तिमान कभी आगे नहीं बढ़ने देता। चलो उतरो, उतरो। ए शक्तिमान, आज नहीं एक नवा बांधन काय झालेस काय? आओ हवलदार भिंडे, लगता है तुम हिंदी फिल्में बहुत देखते हो। क्यों नहीं सुना है कि हिंदी फिल्मों में वारदात के बाद ही पुलिस आती है? वाह, तुमको कैसे पता चल गया? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अब आप तो जानते हैं कि शहर में चोरी डकैती कितनी हद तक बढ़ गई है, और आपकी तरह पुलिस गोल गोल घूमकर तो हर जगह पे पहुंच नहीं सकती, इसलिए फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता। साहब मेरे को तो मिलता है। थैंक यू शक्तिमान। तो ये रोड पे घूमता क्यों है? ये कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी है। कमिश्नर का बेटी है? आजा 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 आजा। और हवलदार भिंडे, इन लोगों को मरम्मत की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि मरम्मत करना तो तुम्हें अच्छी तरह से आता होगा। क्या बोलने का जरूरत है क्या? हिंदी फिल्में जो देखते हो। चलता हूँ। ऊपर क्या कर रहे हो? चल 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 चल। शक्तिमान यू आर ग्रेट। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। अरे पता नहीं शक्तिमान में ऐसा क्या धरेला है कि जब से तुम इधर आयला है ना, उसी का राग लाप रेला है। हटेली, आज मुझे पता चला है कि शक्तिमान क्या चीज है। He is great. He is really great. उसने तीन तीन मशीन गन्स की गोलियों को हाथ में पकड़ लिया। ऐसा करिश्मा मैंने पहली बार देखा है हटेली। ओह, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में फ्लैट हो गई। ओह शराब, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अपने को मालूम है ऐसी वैसी क्या बात है। हाँ, अर्ज किया है कि तुम मर मिटी हो जिस पर पहली मुलाकात में, तुम मर मिटी हो जिस पर पहली मुलाकात में, दोबारा जब मिलोगी तो ले जाएगा सीधा हवालात में। आदाब। हटेली, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो बताओ फिर कैसी बात है? ओए, ऐसी वैसी कैसी कोई बात नहीं है, समझे? अरे जब ऐसी वैसी कैसी कोई बात नहीं है तो तुमने अपुन का बात काहे को नहीं किया? हाँ, अपुन ने सजेशन दिया था ना कि उसको एक मोटी सी रकम देगा अपुन। मैं उससे बात करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती वो जुम से गायब हो गया। हाय, और वो तुम्हें घायल कर गया। मैं उसके लिए, मेरा मतलब है मैं शक्तिमान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। अरे बाप, ये तो गई काम से।